चलो तो आगे बढ़ा जाए। यस सर। हैं? तो बोलो कहाँ तक बात छोड़ी थी? मम्मी से। कहाँ छोड़ी थी बात बोलो? सेंटेंस बोलो। सेंटेंस। सेंटेंस बोले जरा बोलो सेंटेंस फटाफट। कितने लोग सच बोलते? कितने लोग सच बोलते हैं? तो हाउ मेनी पीपल स्पीक द ट्रुथ? तुमसे मिलने के लिए रोजाना कौन आता है? तुमसे मिलने के लिए रोजाना कौन आता है? तो who comes to meet you daily? Who comes to meet you daily? ये बनाया? Meet from you? नहीं, meet you का मतलब ही मतलब सीधा मिलना होता है। यहाँ पर कोई मतलब जो है प्रपोजिशन लगाने जरूरत नहीं। हाँ, अगर तुम रोज आओगे तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा। अगर तुम समय पर नहीं आते हो तो मैं तुम्हारी क्लास मिस हो जाएगी। हाँ, अगर तुम समय पर नहीं आते तो तुम्हारी क्लास मिस हो जाएगी। ऐसे ही देखो जैसे मिस हो गई क्लास आज। तो इफ यू डू नॉट कम ऑन टाइम यू विल मिस योर क्लास। योर क्लास विल बी मिस्ड। वो पैसिव में बनाना नहीं है, एक्टिव में बनाओ। यू विल मिस योर क्लास। कोई पढ़ाया नहीं तुमको पैसिव वॉइस। अगर यू विल मिस योर क्लास। हाँ, अगर वह मुझे गाली देगा मैं उसे पीट दूंगा। अगर वह मुझे गाली देगा मैं उसे पीट दूंगा। इफ ही अब्यूजेस मी आई विल बीट हिम। नेक्स्ट, इफ ही अब्यूजेस मी आई विल बीट हिम। इफ ही विल अब्यूज मी। नो, I taught you ना, ये तो भी तुमको पढ़ाया था कि if के साथ ये जितने भी कंडीशन वर्ड हैं इनके साथ जो क्लॉज आएगी वो सिंपल प्रेजेंट में या सिंपल पास्ट में या पास्ट परफेक्ट में तीनों में आ सकती है। विल में कभी नहीं आती है अगर ना if के साथ क्लॉज। तो if he will कैसे कर दोगे? सेंस भले ही आपका हिंदी में निकलेगा कि भाई वो फ्यूचर वाला, ठीक है, बट क्या होगा कंडीशन जो है वो मतलब प्रेजेंट में ही जाएगी। इफ ही कम्स सॉरी इफ ही अब्यूजेस मी आई विल बीट हिम। और बोलो नेक्स्ट। कितने लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं? तो हाउ मेनी पीपल डू देयर वर्क विद ऑनेस्टी? तुम्हारे बैच में कौन रोज नहीं आता है? तुम्हारे बैच में कौन रोज नहीं आता? कौन रोज नहीं आता है? तो यानी हु डज नॉट कम डेली, सॉरी क्या है, तुम्हारे बैच में कौन रोज नहीं आता? तो हु डज नॉट कम इन योर बैच डेली? अगर वह मेरा पैसा नहीं लौटाएगा तो मैं उसे पीट दूंगा। If he does not return my money, I will beat him. और बोला आगे। क्या तुम अपने दोस्त के साथ स्कूल नहीं जाते हो? तो do you not go to school with your friend? वह मुझे पैसे उधार नहीं देता है। तो he does not lend me money. और बोलो, किसी को कोई डाउट है, किसी को दिक्कत है तो बोलो भाई। यहाँ तक कोई किसी को डाउट कुछ? सही से बताना, अगर तुम रोज आओगे तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा। तो इफ यू कम डेली आई विल टीच यू। ठीक, कोई डाउट? कहीं बिल में बना दिया था क्या? हैं? हाँ, यही तो वह मैंने कहा था कि इसका सेंस जो है आप हिंदी में फ्यूचर में भी निकाल सकते हैं और प्रेजेंट में भी, ठीक है। बट बाकी जो शर्त है वो फ्यूचर की ही होगी, बट जो क्लाउज है कंडीशन वर्ड के साथ वो आपकी सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगी, ये बताया था। तो और बस ये तो बात खत्म। चले तो हम भी फिनिश करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात फिनिश है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस फिनिश। चलिए तो सीधा रुक करेंगे नेक्स्ट पार्ट का। बताया था सब में चार चार पार्ट होते, तो सीधा रुक करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आखिर क्या होता है? तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब क्या है? प्रेजेंट का मतलब आपको पता है, अगर लास्ट में आपका है बन रहा है आप पहचान लेंगे भी प्रेजेंट है, ठीक है। आखिर कंटीन्यूअस क्या है? कंटिन्यूस का मतलब है जहां पर भी जो वर्क है एक्शन है वो आपको जारी मिले वो आपका कंटिन्यूस होगा। जहां पर भी आपको कोई भी काम जारी मिले वो आपका कंटिन्यूस ही होगा। ये पता नहीं है कि किसका कंटिन्यूस होगा, ये चेक करना है। तो आप लास्ट में हिंदी में देख लो, अगर है एक्शन मिल रहा है तो प्रेजेंट का होगा,
गै मिल रहा है तो फ्यूचर का होगा, दोनों में से कोई नहीं मिल रहा है तो प्रेजेंट का होगा। ठीक, इसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए दोनों को। क्यों? क्योंकि दोनों ही मतलब कंटिन्यूटी को दिखाएंगे, पर दोनों में डिफरेंस भी होगा। डिफरेंस क्या होगा? जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा इसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको टाइम मिलेगा। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको टाइम नहीं मिलेगा, इसमें आपको टाइम नहीं दिया होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब है जब काम जारी है उसी टाइम आपने वो सेंटेंस कोई बोला वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। जैसे मान लीजिएगा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने कहा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जब मैंने सेंटेंस बोला तो पढ़ा रहा हूँ बंद थोड़ी किया, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, तो यानी क्या ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मान लीजिएगा आप बैठे हैं, आपको बोला है अभी मैं बैठा हूँ, तो मैं बैठा हूँ, आप खड़े नहीं हुए, बैठे हैं, जब आपने बोला है सेंटेंस तब आप बैठे हैं, यही आपका होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट में बोला है तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है जब काम जारी हो, यानी किसी को मतलब किसी भी सेंटेंस में आपको कंटिन्यूटी दिखाई दे, ठीक है, किसी एक्शन की आपको कंटिन्यूटी दिखाई दे वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। कोई मतलब नहीं है कि रहा रही मिले ही मिले आपको, हो सकता है ना भी मिले, फिर भी आपका वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे हमने कहा मैं बैठा हूँ, है मान लीजिएगा आप अपने आप को बोलेंगे भी मैं बैठा हूँ, तो मैं बैठा हूँ, तो यहाँ तो कोई रहा रही नहीं है। जैसे आपने मान लीजिए पढ़ा होगा स्कूल में भी, तो और तुम्हारे उसमें भी लिखा होता है किताबों में कभी रहा रही आएंगे तो ही कंटिन्यूस होगा, क्या इसके अलावा नहीं होगा कंटिन्यूस? बिल्कुल होगा। ठीक, यानी आप मैं बैठा हूँ तो यहाँ पर कोई आपका रहा रही नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूस टेंस। वाई? बिकॉज यहाँ भी वर्क क्या है, गोइंग ऑन है, जब आपने बोला आप बैठे हैं खड़े नहीं हुए हैं। ठीक, तो यही आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। किसी भी चीज़ को मान लीजिएगा किसी भी सेंटेंस को आपको बनाना है तो उसका टेंस की कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। मान लीजिएगा इसके सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए एचवी के बारे में, एचवी इसके लिए क्या होती है। तो जो एचवी होती है आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए वो होती है आपकी इज, एम और आर, इज एम आर। इसके अलावा एम बी की बात करें यानी मेन वर्ब की बात करें तो ये आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है भाई, बिकॉज कंटिन्यूअस की बात है। कंटिन्यूअस के लिए मैंने आपको बताया थी कौन सी फॉर्म बनी है, बिफोर बनी है। तो यानी जो आपका होगा कंटिन्यूअस के लिए एम बी वो आपका बिफोर होगा भाई, बिकॉज बिफोर का मतलब ही कंटिन्यूअस होता है। जहाँ कंटिन्यूअस की बात होगी वहाँ बिफोर आएगा ही आएगा। आपको एच बी पता चलेगा, आपको एम बी पता चलेगा, आपको पहचानना कैसे ये आपको पता चल गया। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो करना क्या है सेंटेंस के एग्जाम्पल दे कुछ घबराना चालू कर दो। मान लीजिएगा मैंने कहा मैं चाय पी रहा हूं, मैं चाय पी रहा हूं, तो मैं चाय पी रहा हूं सेंटेंस को आपको देखना है सबसे पहले कि ये किस टेंस में जाएगा। टेंस को चेक करने के लिए लास्ट में जाना है, आपको मिला है अक्षर, आपको पता चलेगा प्रेजेंट टेंस है। आपको नहीं पता कि ये कौन सा पार्ट है, पार्ट ढूंढना है तो पूरा सेंस इसका लेना है कि किस में जा रहा है सेंस। मैं चाय पी रहा हूँ इसका मतलब काम जारी है, काम जारी है तो प्रेजेंट में दो चीजों में काम जारी मिलता है आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी मिलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आपका काम का जारी होना मिलेगा। बट देयर इज आल्सो डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस? अगर आपका कंटिन्यूअस होगा सिर्फ और सिर्फ, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा तो आपका इसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा किसी का भी तो उसमें आपको टाइम दिया होगा। ये अंतर होता है कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस के बीच में अंतर। ठीक, तो ये आपको पता चला कि प्रेजेंट का है, आपको पता चला कंटिन्यूटी है, तो इसका मतलब ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो टाइम, कोई टाइम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब जब है तो कोई दिक्कत नहीं है, पता चल गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आप ये देखना अभी सेंटेंस कौन सा है, तो आपको मैंने बताया था प्रेजेंट टेंस जब कोई सा भी मतलब टेंस आप पढ़ेंगे उसमें दो ही तरह का सेंटेंस बनेगा, या तो बनेगा असर्टिव या बनेगा इंटरोगेटिव। ये पहचाना इंटरोगेटिव है या नहीं, तो इंटरोगेशन मार्क देख लो, लगा तो नहीं है, नहीं लगा है तो इसका मतलब क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस तो नहीं है, सिर्फ असर्टिव ही है। असर्टिव है तो असर्टिव में भी दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब जिसमें आपको नहीं सब दिया, नए सब हिंदी में ना मिले, अंग्रेजी में आपको नो नॉट नेवर नहीं मिलेगा, तो इसमें ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब यही आपका अफर्मेटिव। अगर नेगेटिव होता तो इसमें नहीं है, नए जैसे शब्द आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बात आपको पता चल गई तो फिर किसी से पूछने की जरूरत क्या है आपको। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आपको पता है क्या होता है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर? भाई हाँ तुम बोलो, चलो पीछे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब। नहीं तो कल कैसे आया था
ज्यादा ठंड हो रहे हैं तुझको, लग रही ठंड है? कल अंदर में से आता है ठंड लगती तुझको है? आज ही लगी तुझको ठंड? ऐसे फैसल मारना चाहता था क्या कल भी? अच्छे से कवरिंग करके आएगा तो ठंड लग जाएगी वाला। अरे अपने गर्म कपड़े पहन कर क्या हो, क्या ठंड लगी? तो बोला ठंड में खाए रोटी भी नहीं खाई होगी, खा ली रोटी तो सर रोटी भी ना खाए फिर रोटी कैसे खा ली? जब ठंड पड़ी तो रोटी भी बंद कर देता, क्या एक्सक्यूज दे रहा है? अरे मैं कई बार कह चुका हूँ, जो काम करते हैं ना कोई भी काम, जब आप रेगुलरिटी बना लेते हो किसी भी काम की, वो नियम हो जाता है। और जब नियम हो जाता है ना, जो लगातार जिसको कोई काम को उसको करता है लगातार, उसका फल भी मिलता है। और नियम करना आसान बात नहीं होती, कोई भी नियम कर लेना किसी भी चीज़ की, एक सोच लेना कि ये काम मुझे डेली करना है, वो आसान नहीं होगा। उसमें ना जाना हजारों बाधाएं मिलेंगी, और छोटी सी बाधा आई घर बैठ गया कि ठंड पड़ रही है। मिल जाएगा तुझे कुछ क्लब फॉर योर सीट, तो आते नहीं है ठंड में, तो ही आता है। और वो तो दोपहर की बात है, इस टाइम मतलब इनको ठंड लग रही। हम सुबह में उठ के यहाँ चले जाते हैं नहा धोकर के 5 बजे, इनको सुबह में मतलब दोपहर में भी ठंड लग रही इनको। चले तो मैं चाय पी रहा हूँ, इसका आपको पता चल गया अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये है चार स्ट्रक्चर है मात्र, ये याद करना और कुछ भी नहीं करना, बनाते चले जाओ क्या दिक्कत है। सबसे पहले लेकर के आना है आपको सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लेकर के आना है, तो सब्जेक्ट क्या है आपका आए, ठीक। इसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वर्ब, जब वर्ब चाहिए तो वर्ब क्या है आपका पीना, पीना आपका होता है टेक, और टेक का क्या हो जाएगा आपका टेकिंग हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा क्या जी चाय तो ठीक, लेकिन सेंटेंस आपका सही नहीं है वहाँ, बिकॉज अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था V3 और V4 दोनों का ऐसा नेचर होता है कि बिना एचवी के नहीं आते। V3 और V4 बिना एचवी के नहीं आते, तो इसका मतलब क्या है, V4 हम ले आए लेकिन एचवी कहाँ लेकर का है, एचवी तो चाहिए। तो एचवी जो है प्रेजेंट टाइम के लिए वो है क्या है आपका इजमार है ना। और यहाँ पर जो V1 है क्या है, V1 ये है आपका एमआर, ये V1 है, और ये आपका V5 है। अगर ना याद हो तो आपका कर्म सुधार लेना है, रोल ऑफ एक्जिव में आपको मैंने पढ़ाया था, ये सब चीजें पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। इसके अलावा कुछ स्पेशल खास बात क्या है, याद रखना है कि आई के साथ एम करते हैं, बाकी मतलब आर लगा देंगे जब आपके प्लुरल फॉर्म की बात होगी। तो सब्जेक्ट इज प्लुरल सो इट विल टेक प्लुरल वर्ब, एंड प्लुरल वर्ब इट विल टेक एम, व्हाई बिकॉज़ स्पेशली वी यूज एम फॉर आई के लिए हम हमेशा जो है एम का इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो एम लगा देंगे, आपकी बात खत्म हो जाएगी, बन गया सेंटेंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या याद करना है, कुछ याद नहीं करना है, कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी जो उनको ध्यान में रखना है बस। इसके अलावा याद रखना, जब हम वर्ब की बात करते हैं यहाँ पर हमने वर्ब दे रखा है, जब वर्ब दे रखा है तो यहाँ पर वर्ब का मतलब दो मतलब होता है, यहाँ पर आपका एक एचवी होता है एक एमवी होता है, क्योंकि वर्ब तो भाई दोनों वर्ब ही है ना, हेल्पिंग वर्ब, मेरे पास दोनों वर्ब भी तो है, तो V4 वर्ब भी तो होता है। इसके अलावा वर्ब दो तरह के हो सकते हैं ना, एचवी और एमवी, तो यहाँ पर एच वी सबसे पहले लाना पड़ेगा, वाई बिकॉज हमको जरूरत है, वाई V3 एंड V4 वी डू नॉट यूज विदाउट HV, बिना HV के V3 और V4 का इस्तेमाल नहीं करते हैं। When these are used as main verb, and remember this thing, यानी जब इनका मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तब इनको HV चाहिए ही चाहिए, अगर मेन वर्ब के रूप में नहीं कर रहे हैं यूज तो सेकेंडरी थिंग है, लगा भी हाँ जरूरत पड़ भी सकती है नहीं भी पड़ सकती है, ठीक यहाँ तक क्लियर बात। चलिए तो इतना आपको बन गया, और एग्जांपल देख लो, हम मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, तो हम मेहनत कर रहे हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, भी स्ट्रक्चर यही लगेगा भाई, बिकॉज देयर इज नो नहीं, कोई नो है नहीं है, ठीक है। तो वी, इसके अलावा मेहनत करना क्या होता है भाई, सिर्फ और सिर्फ वही लग रहा है मेहनत करना, तो मेहनत करना क्या होता है वर्क हार्ड, तो वर्क का क्या हो जाएगा वर्किंग हो जाएगा, ठीक है। व्हाई बिकॉज फॉर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वी यूज बिफोर, तो वर्किंग और क्या
हार्ड जो वर्किंग है वो कैसा है? हार्ड चल रहा है, मेहनत। इसके अलावा वर्किंग दिस इज बिफोर एंड वी डू नॉट यूज विदाउट एचवी। बिना एचवी के हम बिफोर कहाँ लगाते हैं? नहीं लगाते भाई, देन वी नीड एचवी ना, एचवी हमको चाहिए। सो देर आर टू एचवीज, एम एंड आर, देन स्पेशली एम वी यूज फॉर आर एंड एक्सेप्ट इट वी यूज आर। देन व्हाट शुड बी यूज हियर? सही जो ना चाहिए यहाँ पर, आपका आर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एम का स्पेशली हम इस्तेमाल करते हैं आई के लिए। बोलो गलत दिक्कत है जहाँ तक किसी को है। इसके अलावा हमने कहा वह मैदान में बैठा है, वह मैदान में बैठा है। तो आप बचपन से लेकर के पढ़ता है कि जहां रहा रही होगा वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, क्या इसके अलावा नहीं होगा? तो आपके दिमाग से नहीं होगा, लेकिन होगा। मैं मैदान, मान लीजिए वह मैदान में बैठा है, हमने कहा वह मैदान में बैठा है, तो जब हमने कहा ना वो बैठा है, खड़ा नहीं हुआ, बैठा है, तब भी तो काम जारी है, वो बैठा है। तो वह मैदान में बैठा है, कोई रहा रही नहीं है, लेकिन फिर भी आपका क्या सेंस इसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, लगा है, प्रेजेंट है, आपको पता है। ठीक है, कितनी बार पहचान करने की बताए, एक ही बार बता करके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। ठीक है, बार बार नहीं बताई जाती ये चीज। तो सबसे पहले ही आएगा, इसके अलावा क्या है? अब एच वी एम बी की देखो यहाँ पर जरूरत पड़ती है, क्यों? ये अब माइनस सेट हो जाना चाहिए, बिफोर को एच वी चाहिए, तो ही के हिसाब से इसको एच वी चाहिए। अब बाद में वी विल यूज बिफोर फर्दर, भाई आगे हम बिफोर लगाएंगे तो बिफोर के लिए चाहिए एच वी। तो एच वी वी हैव थ्री एच वी इज एंड एम आर, देन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी यूज एच वी। भाई जो एच वी का इस्तेमाल करते हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं। एंड सब्जेक्ट का फॉर्म कैसा है, कैसा है, मतलब ये यूज में कैसा है आपका? सिंगुलर है, नेचर में भी सिंगुलर है, यूज में भी मतलब सिंगुलर है। तो हमको क्या चाहिए, वी फाइव चाहिए कि वी वन चाहिए? वी फाइव चाहिए। वी फाइव क्या है आपका? इज। तो किया जाएगा इज। इसके अलावा नाउ वी नीड बी फोर एम बी, एम बी की जरूरत है हमको, तो एम बी क्या है इसका? बी फोर है, तो बी फोर मतलब बैठने के लिए, तो क्या हो जाएगा इसका? सिटिंग हो जाएगा। ठीक है, सिट में जब आई एन जी लगाएंगे तो बाद वाला जो लेटर है कंसोनेंट लेटर डबल हो जाता है। कब? जब लास्ट लेटर कंसोनेंट हो और उसके पहले एक वोवेल लेटर होना चाहिए, एक वोवेल लेटर होना चाहिए। तो याद रखना जो लास्ट आपका कंसोनेंट लेटर है वो आपका डबल हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से सिटिंग हो जाएगा। ये सिटिंग अब कहाँ पर बैठा है मैदान में? तो इन द फील्ड। बोलो किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो? ठीक, और धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी समझने का प्रयास करना है। यदि बात समझ आ गई तो इसको लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इंटू के लिए उसको पढ़ लेंगे। चलो तो लिख लिया, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो ये तो था तुम्हारा क्या एफर्मेटिव। ठीक है, एफर्मेटिव था, नेगेटिव मिलेगा तो कोई नई बात नहीं होगी, उसमें कोई आफत नहीं आएगी। ठीक है, मान लीजिए हमने कहा वह दिल्ली नहीं जा रहा है, वह दिल्ली नहीं जा रहा है, तो ही दूसरा स्ट्रक्चर लगेगा। कौन सा है दूसरा स्ट्रक्चर? बोलो आ। सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस वर्ब प्लस बी प्लस अदर वर्ब, बी प्लस वर्ब प्लस। ठीक है, प्लस वर्ब बी वर्ब होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट है सिंगुलर हमारा, तो भविष्य में लेगा, इसके हिसाब से क्या आना चाहिए? ई जाना चाहिए। इसके बाद नॉट आना चाहिए, वाई बिकॉज स्ट्रक्चर ये होगा सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ब। एच भी हम ले आए, नॉट भी हम ले आए, हमको चाहिए क्या? वाव। वाव क्या है? बी फोर। बी फोर मतलब वाव क्या है? जाना। तो जाना क्या होता है? गो। गो का बी फोर? गोइंग। गोइंग कहाँ पर? दिल्ली। तो टू दिल्ली, दिल्ली। किसी को आवाज़ दे दो, बोलो। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नंबर टू, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो,
तुम मेहनत नहीं कर रहे हो तो यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। किसी कोई आपत्ति कैसे बना कैसे आफत आई पूछ सकता है कोई? ठीक है, किसी को लग रहा हो कैसे आफत बीच में आ गई? कोई बात नहीं सर, पूछ लिया तो पूछ। हाँ भाई प्रशांत है ये, तुम कुछ प्रॉब्लम आई सर हम बता। हाँ तो वैसे तो ये कोई क्लास से बाहर है, सब कोई पूछ रहा हूँ किसी कोई आफत है तो बताओ। ठीक है, कोई क्लास से बाहर थोड़ी नहीं है। नंबर थ्री, वह एग्जाम देने के लिए मेरठ जा रहा है, ये मेरठ है, मेरठ है, मेरठ होगा। हाँ चले, तो वह एग्जाम देने के लिए मेरठ जा रहा है, तो ही इज जा रहा है, तो पीछे से बनाते हुए लाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर नहीं बनाओ पीछे से तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो जा रहा है, कहाँ जा रहा है? इज गोइंग, जा कहाँ रहा है? टू मेरठ। मेरठ जा रहा है तो टू मेरठ। ठीक, इसके अलावा क्या करना जा रहा है एग्जाम देने के लिए? तो फॉर का हो गया के लिए, अब देने के बाद तो गिविंग और क्या एग्जाम, तो एग्जाम। ठीक, तो ही इज गोइंग टू मेरठ फॉर गिविंग एग्जाम। ठीक, कोई दिक्कत? दो बार आई एन जी कैसे आ गई सर, गिविंग में भी लगा दी। दो बार आई एन जी कैसे आ गई वो सुन लो। फोर जो है आपके प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद हमेशा बिफोर आता है, प्रपोजिशन के बाद हमेशा बिफोर आता है, एक बात। दूसरी बात मैंने कहा था, जब बिफोर है तो ये बिना एचवी के नहीं आना चाहिए, ये तो इसके लिए आ रहा है एचवी, इस वाले बिफोर के लिए, तो यहाँ के लिए एचवी कहाँ रहती है, एक बात तो मैंने कहा था। कोई जरूरी नहीं है एचवी आए, ऐसा भी बिफोर मिलेगा देखने को जो एचवी नहीं लेगा, लेकिन क्या वो बिफोर मेंबर ग्रुप में काम करेगा ना? अगर मेंबर ग्रुप में काम करेगा तो एचवी लेगा ही लेगा। यहाँ ये मेंबर ग्रुप में काम नहीं कर रहा, ये जो यहाँ काम कर रहा है आपके प्रेजेंट पार्टिसिपेंट के रूप में काम कर रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपेंट के रूप का मतलब क्या होता है, वो एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि नाउन है ये एग्जाम, एग्जाम नाउन है, नाउन के पहले जो रहता है वो एडजेक्टिव रहता है, तो ये एडजेक्टिव है। बाद बाकी चर्चा आगे हम करेंगे, जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो डिटेल में हम सीखेंगे आगे एडजेक्टिव क्या होता है, और ये आपका नॉन फाइनाइट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बिफोर के कितने रूप होते हैं। ठीक है, बिफोर आपका जीरो भी बनता है, जीरो भी आपने पढ़ा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो सारी चीजें बता दी भाई। अब कोई दिक्कत है तो बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है तो नहीं है डाउट तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, इसको राइट करो, जो यूट्यूब देख रहे हो स्क्रीन शॉट देखो। चलिए तो ठीक है, आज की क्लास जो है ब्रेक करेंगे, बाकी चर्चा जो है कल करेंगे। तो व्हेन ऑल आर वाचिंग वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो कीप रनिंग, कीप विनिंग, सीखते रहिए और जीतते रहिए।